पिछले कई दिनों से भाई लोग कह रहे थे कि फुल नल का वीडियो बताओ, किस तरह से हम बना सकते हैं एकदम अच्छा तरीका से लिरिक्स। तो भाई लोग आ चुके हैं उस तरह का वीडियो लेके जो आप डिमांड किए थे। तो चलिए आज की इस वीडियो में कुछ इस तरह का वीडियो बनाने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो वीडियो पसंद आ चुका है तो एक जो है छोटा सा मतलब थम दे देना है और उसके बाद सब्सक्राइब कर देना है। उससे बहुत ज़्यादा मेहनत का जो फल है वो मिल जाता है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा चैनल डाउन हो चुका है और मन नहीं करता है यूट्यूब पे वीडियो बनाने का, समझ लो। अब बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है यूट्यूब, समझ सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को थोड़ा सा सपोर्ट करना है, लाइक कर दो, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करके रखो, अच्छा अच्छा वीडियो आने वाला है, करोगे तब ना भाई। चलिए आज के इस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं किस तरह से इस तरह का वीडियो बना सकते हैं। देखो मेरा कुछ इस तरह का मेरा प्रोजेक्ट है। अब भैया बोलेंगे भैया प्रोजेक्ट तुम देते हो और लाइक कहाँ देते हो, भैया हम प्रोसेस क्या रहने वाले हैं तो इसको बने बात करने वाले हैं। चलिए हम स्टार्टिंग के तौर पर जाते हैं कैसे हम बनाए। प्लस पे टाइप करते हैं 9016। पिछले कई दिनों से मैंने भी नल का लिरिक्स नहीं आता था, मुझे भी नहीं आता था। ऐसा बात नहीं कि नल बहुत माथा पच्ची है, मुझे भी नहीं आता था नल कैसे बना सकते, लिरिक्स को मर्च कैसे कर सकते। काफ़ी ज़्यादा मुझे भी दिक्कत का सामना करना पड़ा था, लेकिन बट आ चुके हैं फिर से हम थोड़ा सा रिसर्च करके इस तरह का वीडियो बना लिए हैं आपके लिए। देखो तो प्लस पे टाइप करके पहले हम फिलहाल के लिए हम एटैक्स बजाते हैं, सॉन्ग को ऐड नहीं करेंगे, हम आपको सिंपल में बता रहे हैं। तो इसके लिए हम फिलहाल के लिए हम कोई सा भी फ़ोन को चूज कर लेते हैं इसको। उसके बाद इसका कलर क्या करना है, वाइट कर लेना, जो भी रखना है वो आपकी मर्जी है। तुम यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद इसको बड़ा कर लेते हैं, इसको बीचों बीच कर लेते हैं और इसको इतना कर लेते हैं, हो चुका है कुछ इस तरह से। उसके बाद इस पर टैप करना प्लस आइकन और यहाँ प्लस आइकन, अरे प्लस आइकन अभी फ़िलहाल नहीं देना, अभी इसको हम जूम करेंगे ना, जेड पे जाते हैं, इसको जूम करते हैं इस तरह से, हो चुका है। साइज पे जाते हैं, कम करते हैं, यही प्रोसेस है नल का, और इसको फिर और जूम करते हैं, ये बहुत ज़्यादा हो गया, अब नहीं करेंगे, तब रखते हैं इसको इतना पर रखते हैं। प्लस आइकन, यहाँ प्लस आइकन, उसके बाद इसको पूरा जूम कर देना है, इसको हम फिलहाल के 10,000 के आसपास रखते हैं, ओके हो चुका है। इसमें कर्व कुछ मैं फ़िलहाल के लिए कौन सा था ये, अरे यार ये बोला तुमने, मैं कर्व दे देता हूँ, कौन सा था ये बोला था शायद, अब देखते हैं, ये वाला भी नहीं था, तो कर्व हम दे देते हैं। अच्छी मेरा जो कर्व है यहाँ से 3 नंबर इस 2 नंबर में जाना है, देखो कर्व पे जाना, यहाँ पे इस तरह से रहेगा, इस पे टैप करना, ये वाला टैप करना, कुछ इस तरह से तो आपका कर्व दे देना है, इस तरह से आपका कर्व हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा, इसमें जो है आपको अभी मोशन ब्लर ऐड नहीं करेंगे, तो इसके बाद इस तरह से हो जाएगा। हो जाने के बाद साइज पे जाना, साइज पे जाने के बाद इसको प्लस आइकन देना, इसको जूम आउट कर लेना, कुछ इस तरह से हो गया है। देखो मेरा लिरिक्स हो चुका है इस तरह से। फिर इसको ही डुप्लीकेट करना है, अब पहले हम मोशन ब्लर का ऐड करते हैं, क्योंकि फिर से मैनुअल ऐड करना पड़ेगा। ब्लर पे जाते हैं और मोशन ब्लर को सेलेक्ट कर लेते हैं, प्लस को नहीं करना, मोशन ब्लर को सेलेक्ट करना तो आपका, अरे यार इसको हम बड़ा करते हैं, हो चुका है कुछ इस तरह से हो गया। और उसके बाद तुम इसके बाद यहाँ सेकेंड अगला लिरिक से ये है, तो हम फिलहाल के लिए इसको और भी बड़ा करते हैं इतना पे और करते हैं, ये जो इस तरह से मीटर पे बड़ा करोगे तो इसका जो पोजीशन भी भागेगा भागेगा ना, इसको एंड कर लेना है, इसको भी एंड कर लेना है, पोजीशन को मिला लेना है की फ्रेम का, हो गया तुम। उसके बाद यहाँ पे एक और लिरिक्स का जो है टाइप कर लेते हैं, जो भी टाइप है हम फिलहाल के लिए अपने अनुसार से लिख लेते हैं, और अब अपने अनुसार लिखना, और इसको ये ऊपर आ रहा है तो इसको हम फिलहाल के लिए हम यहाँ पे रख लेते हैं। इफेक्ट पर शेडो इफेक्ट दे देते हैं, शेडो दे देते हैं, एड इफेक्ट पर जाते हैं, उसके बाद
तो ये आएंगे एज में जाते हैं, ग्लो को सेलेक्ट करते हैं, स्टैंडर्ड सेटिंग को क्लिक करते हैं, साइज मतलब रेडियस को कम करना, उसको जिसका जो है कलर ब्लैक दे देना, मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका कुछ इस तरह का हो जाएगा, इस तरह से हो गया। उसके बाद इसमें आपको हो गया फिर से, और इसमें आपको और लिरिक्स यहाँ से ऐड करना है, अभी नल यूज नहीं किए हैं क्योंकि बाद में करेंगे ना। उसके बाद फिर से यहाँ पे जो है लिरिक्स का टाइप है, हम फिलहाल के लिए हो लिखते हैं, हो गया कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे सेट करना। इससे अगर हम इससे ना करते हैं तो हमको नहीं होगा, की फ्रेम अगर लगा हुआ है तो आपको यही सीव को पकड़ के इस तरह से करना होगा, हो जाएगा। इसका जो कलर है येलो देते हैं, हो गया है। अब नल का यूज करेंगे, नल पे टैप करते हैं, नल यूज करते हैं, नल यहाँ तक रखते हैं, उसका इसको नल वन से मर्ज कर देते हैं, कुछ इस तरह से ऊपर पे टैप करके नल वन से तीनों लेयर को मर्ज कर देते हैं, मर्ज हो चुका है। फिर से नल पे टैप करते हैं प्लस आइकन, उसके बाद यहाँ पे साइज पे पहले जाते हैं प्लस आइकन, यहाँ पे प्लस आइकन देने के बाद साइज को कम करते हैं इतना पे, ओके कुछ इस तरह से मेरा हो चुका है। देखो यहाँ पे एक लिरिक्स आता है, यहाँ पे ये जो इसमें हमको जूम आउट देंगे तो इस पे प्लस आइकन देते हैं और यहाँ प्लस आइकन देते हैं, उसके बाद इसको इतना पे रखते हैं। अब देखो ये लिरिक्स मेरा कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो की फ्रेम हम यहीं पे देंगे, तो हम की फ्रेम को थोड़ा सा आगू करते हैं, इतना पे रखते हैं। अब देखो हो चुका है, अब देखो इस तरह से हो चुका है। इसमें साइज पे भी जाना, जेड वाला वैल्यू पे प्लस आइकन, यहाँ भी प्लस आइकन देते हैं, एक बार देखते हैं, हो गया है। इस साइज पे जाना प्लस आइकन, कुछ इस तरह से दे देना है कर्व। अब देखते हैं, बहुत ज़्यादा साइज कम हो गया है तो हम इतने पे रखते हैं, हो गया कुछ इस तरह से। अगला लिरिक्स वही प्रोसेस लिखने के लिए कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं अगला लिरिक्स यहाँ पे। इसमें थोड़ा सा रूटेड हमने दिए थे तो इसको हम प्लस आइकन देते हैं और इसमें रूटेड देते हैं एंड करके, हो गया इस तरह से। उसका फिर सेकेंड में जाते हैं, रूटेड दे देते हैं, इसको प्लस आइकन यहाँ पे और इसको हम माइनस करते हैं इतना पे, हो गया। थर्ड में भी जाके आपको प्लस आइकन एंड और स्टार्टिंग में प्लस आइकन देना है, इसको इस तरह से कर लेना, तो आपका लिरिक्स इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा, हो गया इस तरह से। और नल में थोड़ा सा ये वाला किए थे, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं साइज कम, ओके हो चुका है। इस तरह से नल का लिरिक्स मेथड में मेथड बना सकते हो। और बात रहा इसमें अगर कुछ देना चाहते हो तो कुछ भी दे सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि नल में किस तरह से आप जान डाल सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है किस तरह से कर सकते हो। और इसमें अगर हम इमोजी ऐड करना चाहेंगे तो इमोजी भी ऐड कर सकते हैं, देखो यहाँ पे छोटा करते हैं लिरिक्स, हमको इमोजी चाहिए फिलहाल के लिए, हम iOS फ़ोन को सेलेक्ट करते हैं, iOS इसको सेलेक्ट करते हैं, इसका कलर डिक्रीज करते हैं और यहाँ पे इसको रिमूव करते हैं, इसका यहाँ पे आपका कोई सा भी इमोजी ऐड करना है तो ऐड कर लेना है। उसके बाद इसको देखो इमोजी ऐड हो चुका है, इस तरह से दिखाई देगा, सेम ही रहेगा तो आपको यहाँ पे साइज को बढ़ा लेना है, ओके हो गया है, साइज बढ़ गया है इस तरह से। उसका प्लस आइकन, यहाँ प्लस आइकन देने के बाद आगे इस तरह से ऊपर कर लेना है इमोजी, और इस तरह से हो गया है। और साइज पे जाके, अरे इसी पे हम जाके साइज नहीं बढ़ा देंगे, हाँ हो गया है, नहीं से पीटीटी से हो गया है, कुछ इस तरह से लिरिक्स बन के रेडी हो चुका है। इसमें हम इच ग्लो ने दिए थे तो इसमें भी ऐड कर लेते हैं, आपका हो जाएगा। तो अब देखो मेरा लिरिक्स कंप्लीट, हो चुका है इस तरह से। आपका इस तरह से ही मेथड से बना सकते हो, और बाकी रहा ये प्रोजेक्ट है, मैं भी आपको दे दूंगा,
क्योंकि प्रोजेक्ट में इस तरह से मैं बनाया हूँ और देखो किस तरह से मैंने भी बनाया हूँ, तो इस तरह से बना सकते हो और फोन चूज कर सकते हो। मैं फोन प्लस पी से दोनों दे देता हूँ और एक QRP भी देता हूँ। QRP से आप डायरेक्ट मतलब लिंक के थ्रू भी कर सकते हो, मतलब इंपोर्ट कर सकते हो। तो ऐसे ही कमाल का वीडियो देखने के लिए लाइक कर दो और चैनल को नए सब्सक्राइब कर दो। हम नल का लिरिक्स थोड़ा सा सोते में बताए हैं, अगर ज़्यादा बनाऊंगा तो भैया स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, उसके बाद हम नल का बताऊंगा। क्योंकि सेम टू सेम बनाने के लिए मतलब उसका जो पोजीशन है वो हमको लिखना पड़ेगा, तभी बन पाएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे कमाल का वीडियो में। तो अगला वीडियो आने वाला है एकदम नेक्स्ट वीडियो, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा AI वॉइस के रूप में काफ़ी ज़्यादा शायरी और शेर स्टोरी बहुत सारा वीडियो वायरल हो रहा है, उसके रिलेटिव मैं रिसर्च कर रहा हूँ। वो धमाकेदार AI टूल्स होना चाहिए, तब ना मज़ा आएगा कि आप भी बना सकते हो, ग्रो कर सकते हो। तो चलिए हम उस सब्सक्राइब करके रखना, वो वीडियो जल्द आएगा, रिसर्च पर अभी काम कर रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसे कमाल का वीडियो में।